पिक्चर को तो भाई थिएटर में ही देख के आएंगे। विलन भी उतना ही बराबरी का है जितना बराबरी का अपना हीरो है। द मोस्ट हेटेड रणबीर कपूर कैरेक्टर टिल डेट इन लोगों के लिए बहुत ही एक्सेंट्रिक और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैंने शूट कर ली है एक और वीडियो। तो मुझे यूं था कि एनिमल का ट्रेलर आने वाला है और एनिमल का ट्रेलर 1:30 बजे आने वाला था, उन्होंने थोड़ा आगे आगे करके 2 बजे रिलीज किया, 2 बजे थोड़ा सा पहले रिलीज कर दिया है। और मेरे पास बहुत सारी बातें हैं इसके लिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं इलेटेड हूँ। जितने भी एडजेक्टिव्स इसके लिए यूज कर सकते हो उसको यूज कर डालो, बिकॉज दिस इज इट, दिस इज इट द फिल्म। मतलब मैं अभी तक ऐसा जवान ववान के लिए एक्साइटेड था, पठान आ रही थी तब एक्साइटेड था, ये साल बहुत अच्छा है बॉलीवुड के लिए। आई रिमेंबर माई सेल्फ गेटिंग एक्साइटेड फॉर रॉक स्टार एंड तमाशा, इस लेवल पे मैं एक्साइटेड हुआ था। और मैंने जब कबीर सिंह, जब मैंने अर्जुन रेड्डी देख लिया और उसके बाद मैंने कबीर सिंह का ट्रेलर देखा था, तब मैं इतना एक्साइटेड हुआ था। एनिमल का ट्रेलर देखने के बाद मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना ज्यादा फुल ऑफ वर्ड्स और फुल ऑफ एवरीथिंग हूँ। मेरे को ये बात करनी ही पड़ेगी, ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। मैं हूँ डॉक्टर यादव, लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2, 1। पापा ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है। तो देखो जनाब, संदीप रेड्डी वांगा द मैजिशियन, नो मैटर व्हाट पीपल से अबाउट हिम, जो क्राफ्ट पे जो होल्ड पा लेते हैं ना जो लोग, उनमें से एक है। ही हैज मास्टर्ड फिल्म मेकिंग। कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी पिक्चरें देने वाले डायरेक्टर पे अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तो आप किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। व्हेन आई हर्ड संदीप रेड्डी वांगा वाज गोइंग टू डायरेक्ट एनिमल, एंड जिस मोमेंट पे अनाउंस हुई थी ये पिक्चर, उसी मोमेंट पे मैं समझ गया था ये जो आइडिया है, ये जो इंसेप्शन से ही आइडिया जो है वर्क कर रहा है। फ्रॉम द टाइटल अनाउंसमेंट टू द टीजर टू The trailer, every single thing has been so meticulously planned that such a negative film is driven by emotions. Itne zyada emotions hain is picture ke andar. When I was watching the trailer, I was getting emotional. I was getting tears in my eyes. I was getting goosebumps. He makes you care for characters which are otherwise negative. They are very, very evil. They are doing galat cheezein, but you still feel for them. You want to hold Kabir Singh. You want to hold Arjun Reddy. You want to tell them ki it's okay, you don't have to struggle so much, you don't have to be so hard on yourself, you don't have to be so hard for the world. Tumko aisa karne ka zarurat nahi hai. And these are the kind of characters he makes. Ranbir Kapoor का जो कैरेक्टर इसके अंदर जो दिखाया गया है, वो कैरेक्टर इज वन ऑफ अ काइंड। ही लव्स हिज फादर। अनिल कपूर को जो बहुत ज्यादा प्यार करने वाला बेटा, हु वांट्स, हु हैज बीन क्रेविंग फॉर हिज फादर्स लव सिंस द वेरी बिगिनिंग, मतलब वो जब से पैदा हुआ है उसको अपने बाप का प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए उसको पूरी दुनिया में, उसको सिर्फ अपने पापा का वैलिडेशन और अपने पापा का प्यार चाहिए। आई थिंक दैट रणबीर कपूर इज सो ऑब्सेस्ड विद हिज फादर दैट ही इज गोइंग टू डू व्हाटएवर ही वांट्स, लाइक ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिम, कुछ भी हो जाए, मतलब अपने पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये उस तरह की फादरली लव वाली, इमोशंस वाली रेवेंज स्टोरी इन्होंने क्रिएट करी है। एंड वी सी अनिल कपूर को जैसे गोली लगती है और उसके बाद रणबीर कपूर का जो रिएक्शन होता है, ये इनकी स्टील इंडस्ट्री है, स्टील कंपनी है, जिसके अंदर ये जाके अनाउंस करता है कि भाई पापा को जो भी, मतलब अगर जिसने भी गोली मारी है उससे अपन बदला लेने वाले हैं। एंड गोली किसने मारी है ये बताया जाता नहीं है, बट आई बिलीव दैट देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग राइवलरी बिटवीन रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल कैरेक्टर। एंड बॉबी देओल का कैरेक्टर शायद म्यूट है, एंड That is going to add another layer to that character. देखो जो टीजर आया था उसके अंदर हीरो जो था वो डेफिनेटली बॉबी देओल का कैरेक्टर था, बट दिस टाइम अराउंड वेन वी आर सीइंग द ट्रेलर, रणबीर कपूर फ्रॉम द ओपनिंग सीन टू द फाइनल सीन, फाइनल सीन मतलब ऑब्वियसली बॉबी देओल इज शाइनिंग, बट यू कैन नॉट इग्नोर रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ऐसा क्या है जो ये आदमी नहीं कर सकता है, चॉकलेट रोमांटिक लवी डबी बॉय से लेके, ही हैज डन सच ग्रेट फिल्म्स इन हिज करियर, ही हैज डन बर्फी, ही हैज डन ऑल द range, he has done Brahmastra, he has done a rock star, he has done a tamasha, he has done a wake up Sid, he has done ye jawani hai deewani, he has done initially, matlab jo image thi lover boy wali jo image thi wo gradually slowly wo change hoti ja rahi hai after films like Brahmastra, then came animal, animal ka jo look and feel hai wo violent film se kai guna aage hai, ye character bahut zyada layers ke sath aata hai. Sandeep Reddy Wanga ke characters are with so many layers, they are eccentric characters with a very
वेरी ट्विस्टेड वर्ल्ड व्यू जो लोगों के लिए ट्विस्टेड होता है, बट इन लोगों के लिए बहुत ही एक्सेंट्रिक और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस है। जिस तरह से ये दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से ये वर्ल्ड को देखते हैं संदीप के कैरेक्टर्स, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। एंड आई बिलीव दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी इन दिस फिल्म एज वेल। 3 घंटे 20 मिनट का रन टाइम होने वाला है इस पिक्चर का। एंड आई कैन एश्योर यू, मैं यहाँ लिख के दे दे रहा हूँ, मैं जब इसका रिव्यू बनाऊंगा वो भी बता दूंगा, 1 सेकंड के लिए भी आपकी आंख स्क्रीन से नहीं हटने वाली है। इतना बढ़िया रोलर कोस्टर होने वाला है। आप खुद क्वेश्चन करोगे कि मैं इस कैरेक्टर को पसंद क्यों कर रहा हूं, व्हाई एम आई लाइकिंग दिस कैरेक्टर, व्हाई एम आई फीलिंग इमोशनल फॉर दिस कैरेक्टर, व्हाई इज दिस इविल लोगों को मारने वाला, माइंडलेसली लोगों को मारने वाले कैरेक्टर से मुझे प्यार कैसे आ रहा है। दिस इज व्हाट यू गोइंग टू फील थ्रू आउट द फिल्म। एंड एंड में आप इमोशनल होकर बाहर निकलोगे, ऑडियंस क्वेश्चन करेगी कि उनको ये चीज पसंद ही क्यों आई, बट उनको पसंद आएगी और एक मास हिस्टेरिया वाली फीलिंग आएगी जो कबीर सिंह के साथ, जो अर्जुन रेड्डी के साथ आई थी, और एनिमल भी वही सेम चीज रिक्रिएट करने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी प्रॉबेबली द मोस्ट हेटेड रणबीर कपूर कैरेक्टर टिल डेट, बट द मोस्ट लव्ड फिल्म टिल डेट। पीपल आर गोइंग टू लव द क्राफ्ट, द एक्शन, द कैमरा एंगल्स, द वे इट हैज बीन शॉट। भाई साहब कितने जबरदस्त सीन्स हैं। लाइक मैं अभी भी इस फिल्म के स्टिल्स को देख रहा हूँ, तो देर आर सो मैनी स्टिल्स इन द फिल्म विच आर लाइक, इस स्टिल को देखो यार, दिस इज सो गुड, दिस लुक्स सो गुड, एवरी सिंगल फ्रेम ऑफ दिस फिल्म इज मास्टरपीस। और भाई साहब क्या लग रहा है रणवीर, और इतने सारे फुल फोकस वाले फ्रेम्स हैं इस पिक्चर के अंदर, मतलब एकदम सेंटर में कैरेक्टर है और अलग अलग तरह की लाइटिंग में कैरेक्टर है। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मशीन गन, वो मशीन गन नहीं है, वो मशीन ट्रैक्टर है भाई साहब, इतनी बड़ी इतनी भयंकर बारीक गन को लेके। बॉय आई टेल यू, रणवीर कपूर इज वर्क रियली हार्ड फॉर दिस कैरेक्टर। इतना जबरदस्त बॉडी वॉडी उसने पूरा बना लिया है, बल्कि लग रहा है एब्स भूल जाओ, वे ही हैज बीन शोन इन द फिल्म, बैटर्ड, डैमेज्ड, ब्रोकन, लंबे बाल एकदम ही चिथड़े उड़े हुए हैं इसकी बॉडी वॉडी के कपड़े वपड़ों के। एंड देन यू सी बॉबी देओल, एंड देन यू सी इट इज द परफेक्ट एंटागनिस्ट टू आर एंटी हीरो। एंड यू सी हिम एंड यू आर लाइक कि भाई साहब इससे बेटर कुछ हो सकता था क्या? विलन भी उतना ही बराबरी का है जितना बराबरी का अपना हीरो है। बॉबी देओल हैज कम सो फार फ्रॉम Race 3। Race 3 में वो सिर्फ एब्स बना के सलमान खान से फाइट कर रहा था, एंड हियर इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट क्लाइमैक्स सीक्वेंस। एब्स बना लिए थे बॉबी देओल ने, बट ही वॉज एट एक्सट्रीम लो, जो उन्होंने करण जौहर में भी बताया है, एंड ही हैज वर्कड हिज वे थ्रू दैट। ही हैज वर्कड ऑन हिज टैलेंट, ही हैज वर्कड ऑन हिमसेल्फ, ही हैज वर्कड ऑन हिज बॉडी, ही हैज वर्कड ऑन हिज acting, has worked on his skills, and now he is in this film where you can see, you can feel his menacing nature jo hone wala hai Bobby Deol ka. I absolutely loved it. Okay, everything is परफेक्ट ऑन पॉइंट। इट सीम्स लाइक अ परफेक्ट राइवलरी रिवेंज स्टोरी जिसमें रणबीर कपूर अपने बाप को जो बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनकी वैलिडेशन के लिए सब कुछ करें, एंड देन ही हैज हैड एनफ, एंड देन ही इज राइट ऑन द एज, एंड ही प्रोबेबली ट्रिप्स उसके बाद, एंड देन ही डजंट केयर, एंड यू आर गोइंग टू सी द मोस्ट वायलेंट वर्जन ऑफ रणबीर कपूर यू हैव एवर सीन अभी तक। एंड आई वॉन्ट टू सी संदीप रेड्डी वांगा के इंटरव्यूज नाउ, हाउ ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर्स, हाउ ही वॉट वर्क, आई वॉन्ट टू सी बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस फिल्म। ये मास्टर क्लास है यार, ये डायरेक्टर को देख के आपको सीखने को मिलता है कि कैसे किसी पिक्चर का प्रमोशन किया जाए, कैसे एक एक्टर को इतना चढ़ा के दिखाया जाए कि वो आपको क्रेविंग हो कि उसको इस पिक्चर को तो भाई थिएटर में ही देख के आएंगे। देखने से ही लगता है द वे दे हैव शोन एवरीथिंग इन द फिल्म, इट इज अ प्योर थिएटर एक्सपीरियंस। इतना अच्छे से एडवर्टाइज किया गया है। म्यूजिक इसका ले लो, तुम इसका बैकग्राउंड स्कोर ले लो, अर्जन वेली गाना जो अभी रिसेंटली आया है उस गाने को देख लो, या फिर इसके जितने भी रोमांटिक, नॉट सो रोमांटिक गाने हैं, पापा वाला जो गाना है वो दैट हैड अ वेरी डार्क टोन टू इट, बट देन इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ हाउ मच लव ही हैज एंड वॉट अ सॉन्ग। सोनू निगम की आवाज में वो गाना गाया गया है। मैं कह रहा हूँ कि भाई बाप और बेटे का रिश्ते को तो वो कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द फिल्म। फिल्म के अंदर जो बाप और बेटे का जो रिश्ता है, अगर आप फिल्म के कॉन्टेक्स्ट के बिना शायद इस गाने को सुनते तो आपको अलग तरीके से सुनाई देता, बट व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, द विजुअल्स, द वे द फिल्म इज बीन डिजाइंड, विफ गाना अलग ही सुनाई देता है। आपको यूं लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज नॉट राइट। सतरंगा जो गाना है, इट इज सपोज टू बी रोमांटिक, इट इज नॉट रोमांटिक। व्हेन यू हियर द लिरिक्स यू आर लाइक शिट, बोथ ऑफ देम आर हैविंग अ फाइट, इट इज अ वेरी ट्विस्टेड टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रोबेबली, टॉक्सिक मैरिज प्रोबेबली, शी इज सफरिंग प्रोबेबली, both of them are making it difficult for each other. Rashmika Mandanna looks so good when she's delivering those dialogues, and yes, he
purposely added that gala pakadne wala scene because he knew that it is going to create chatter among a certain set of population. And this is how you market something. He knows people are eyeing for him. He knows ki log uske upar nazar kar gada ke rakhe hue hain ki ab ye kuch kare aur hum bolna shuru kare. Aur usne wo kiya. And that is what a creative person would do. He is not afraid of showing what he has made. This is crazy. People are going nuts after watching the trailer. People are going nuts. People are having goosebumps. People are saying, what have you made? What is this? What are you cooking? What is this, Sandeep Reddy Vanga? This is absolute madness. 1st December ka wait nahi kar pa rahe hain log. Main khud nahi wait kar pa raha hun. I live for such days. I live for this mass hysteria where people are like, yes, I want to watch this film. This is not an analysis. This is nothing. This is just how I feel about Animal. क्या सही क्या क्या गलत हो गया, क्या सही हो सकता था, कैसे बनाया, क्या नहीं, technical details, all of this bullshit. I'm not going to talk about this. I'm going to just tell you to rush to the theaters on 1st December because this is madness. This is crazy. This is pure cinema magic. This is how you show or present your film to the audience. Emotions, action, drama, revenge story, hate, music acha hai, sab kuch to acha hai, kharab kya hoga? 10 ke 10, dekho, wahi, one bad day is all it takes. Bahut bura laga jab India hari, aur wo 10 match jo jeeti thi usme itna maza aaya tha na, wo maza abhi feel ho raha hai. वो रिलीज डे जो है वो आर या पार वाली चीज है. अगर ये पिक्चर थोड़ी सी भी अच्छी निकल गई ना, बहुत मजे आ जाएंगे. ऑडियंस इज गोइंग टू बी सो हैप्पी. रणबीर कपूर इज गोइंग टू बी सो हैप्पी. ही इज फाइनली डन दैट. ही इज रीच्ड दैट पेडेस्टल वेयर पीपल कैन कॉल हिम सुपरस्टार. दिस इज सुपरस्टार रणबीर कपूर का पिक्चर. आई हेट टू एडमिट इट बट Bollywood directors have not yet reached there. Tiger 3 से आपको समझ आया होगा. इतना बड़ा स्टार, इतना बढ़िया एक्टिंग किया, इतना बड़ा बढ़िया स्टोरी, स्टिल इट कुड नॉट रीच दैट बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी विद दैट वी हैव गॉटन विद सच अ बिग स्टार. वो डायरेक्टर जस्टिस नहीं कर पाया उस स्टार मोमेंट को. रणबीर कपूर को जस्टिस करने के लिए संदीप रेड्डी वांगा जैसा ही डायरेक्टर चाहिए अभी इस मोमेंट पे. ऐसी पिक्चर में रणबीर कपूर को नफरत करने वाले लोग होंगे उस कैरेक्टर को, पर इसकी एक्टिंग को, इसके डायरेक्शन को, इसकी सिनेमेटोग्राफी को, इसकी एडिटिंग को, इसके म्यूजिक को, इस कला को अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे. आई एम एक्साइटेड फॉर एनिमल एंड आई नो इट वॉज अ ह्यूज लंबा रैंट बट आई एब्सोल्युटली एम गोइंग टू वॉच इट ऑन 1st December. आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में बता दो मेरे को फटाक से. ये थी मेरी ऑनेस्ट फीलिंग्स अबाउट एनिमल का ट्रेलर जो मैंने अभी अभी देखा और मेरा दिमाग फट गया. इसके साथ करते हैं इस वीडियो खत्म. ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का. जो कुछ भी रह गया होगा आगे कवर कर देखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट. पीस.